हेलो गाइस तो कैसे आप सब लोग टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑर चैप्टर थ्री पीरियोडिक टेबल इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्व केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल इन दिस चैप्टर मेनली वी विल डिस्कस अबाउट द पीरियोडिसिटी ओके और फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट दैट वाई वी नीड दिस पीरियोडिक टेबल ओके वाई वी क्लासीफाई द एलिमेंट्स In between 18th and 19th century, a very small span of time, many elements were discovered. Okay, many elements were discovered, and we can't study the individual element. And now we will know that we have more than hundred elements. We can't study more than hundred elements. Individual element study can't be possible. So we classify the elements in the basis of their property. Okay, uh, and history of this periodic table. Already you studied in class 9, 10. Like first classification was the, given by Lavoisier. He classify the elements into metals and non-metals. Then Dobereiner he make the triads group of three elements with similar property in which mass of middle element is the average of the first and last element. Newland law of octave, Luthermer curve that you already studied in class 11. Mainly we will discuss about this more than periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओके तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जिसने हेल्प की इस टेबल को बनाने के लिए वो था हेनरी मोजले हेनरी मोजले ओके हेनरी मोजले वॉज वन ऑफ द साइंटिस्ट डूइंग स्टडी ऑन द एक्सरेज वाज़ डूइंग स्टडी ऑन एक्स रेज एंड ही फाउंड दैट दैट एवरी एलिमेंट हैव असोसिएट समेवस और सम रेडिएसन एंड ही स्टडी दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन क्या बोला हमने हमने बोला कि जो भी एलिमेंट्स है जो भी एटम्स हैं उनसे क्या है एक रेडिएसन असोसिएट है और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की उसने क्या की स्टडी की ओके okay. तो स्टडी किया तो उसने जब चेक किया इससे पहले जो हम प्रियोडिक टेबल फॉलो कर रहे थे वो क्या थी वो थी हमारी मेंडली टेबल एंड मेंडली टेबल वॉज बेस्ड ऑन अटोमिक मास ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मास तो उसने क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसके ऑर्डर में अटोमिक मास के तो उस टाइम तक हम लोग सपोज करते थे कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है या करेक्ट्रिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है अटोमिक मास बट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एटम इज नॉट प्रोपोर्शनल टू अटोमिक मास ओके

क्या होगा ऑटोमिक नंबर होगा ठीक है तो उसने क्या किया अब इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है फॉर एग्जाम्पल हमारा हेनरी मोजले बोर वर्नर ना ये बहुत सारे साइंटिस्ट है बट इसमें हम लोग जो मेन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और इस टेबल को बनाने में जो मेनली टू साइंटिस्ट थे कौन कौन हैनरी मोजले एंड नील्स बोर इफ आपसे पूछा जाए कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाने में मेन किसका रोल था तो किसका था हेनरी मोजले एंड नील्स बोर और इन्होंने इन्होंने क्या किया था एटम्स को एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया था स्टूडेंट इट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इट हैव फोर ब्लॉक एस पी फर्स्ट टू ग्रूप आर इन एस ब्लॉक देक्स्ट टेन ग्रूप्स आर इन डी ब्लॉक नेक्स्ट टेन ग्रूप आर इन डी ब्लॉक देक्स्ट सिक्स ग्रूप्स आर इन पी ब्लॉक डी ब्लॉक दिस इज और एस ब्लॉक एंड फोर्टीन एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनियम एंड फोर्टीन एलिमेंट्स आफ्टर एक्टीरियम आर इन एफ ब्लॉक ओके सो इस टेबल को आपको याद करना है फर्स्ट आप इसमें क्या क्या याद करेंगे इट कन हैव सेवन पीरियड्स ओरिजेंटल रोज आर नोन एज पीरियड्स इट हैव सेवन पीरियड

एफ ब्लॉक में ओके okay. तो इसको आपको बाई हार्ट भी करना है फर्स्ट तो आपको क्या होना चाहिए पीडिक टेबल बाई हार्ट होनी चाहिए याद होनी चाहिए एटलीस्ट आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स याद होने चाहिए एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं ये आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए ओके okay. तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे याद करना है ठीक है बच्चों आपने मिनमोनिक्स सुना होगा ना फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ हमसे कोई पूछता है हाउ मेनी डेज आर इन जून तो आप लोगों ने ऐसे फिंगर ऐसे काउंट करना सीखा होगा जनवरी फरवरी मार्च ना तो इस टाइप से ये कुछ ट्रिक बना रखी है हमने सेम इफ हम पूछे कि पाई की वैल्यू क्या है तो आपको पता होगा पाई क्या है हमारा इरेशनल नंबर अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हम लोग क्या लिख देते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन ना एक्जेक्ट वैल्यू तो है नहीं है तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है क्या कैन आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ़ कॉफ़ी ओके तो हम देखें कैन में कितने लेटर्स हैं थ्री थ्री पॉइंट आई में वन हैव में फोर ए में वन लार्ज में फाइव इस टाइप से हमने इसको याद कर रहे हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद करना हो तो हम कैसे याद कर सकते हैं कैन हाई कैन आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी तो इसका इस लाइन का एक्चुअली में तो पाई से कोई रिलेशन नहीं है तो जो ये हम अजीब अजीब टाइप के ट्रिक्स बनाते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं मिनमोनिक्स बोलते हैं इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को भी हार्ट कर सकते हैं तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं है ली ना की रब से फरियाद क्या बोला मैंने हेलीना की रब से फरियाद ठीक है नेक्स्ट हमारी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ठीक है बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम कार से कैल्शियम स्कूटर से स्ट्रॉनशियम बी ए बेरियम और आर ए रेडियम ओके देन हम पी ब्लॉक की बात करें पी ब्लॉक को याद कैसे कर सकते हो बैंगन आलू गाजर इन थैला बोरॉन एल्यूमिनियम गेलियम इंडियम थैलियम काशी गए संत प्रभु का सी से कार्बन और एस आई सिलीकोन जी जर्मेनियम एस एन टीन और पी बी लीड नानी पापा आंसू सब बीमार नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मिथ ओ सी से टी पो ओ से ऑक्सीजन एस सल्फर सेलिनियम टेलूरियम, पोलोनियम ओके फिर कल बाहर आई आंटी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एस्टेटाइन हीना नीना और करीना जेरोक्स रंगीन हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जिनोन एंड रेडोन ओके जो लास्ट के एलिमेंट्स है जो हमारे नॉर्मली सेवंथ पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो मेनली क्या होते हैं आपके रेडियो एक्टिव होते हैं ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए ठीक है तेके? जैसे फ्रेंसियम हो गया रेडियम हो गया ना एक्टिनियम के बाद की भी जो एलिमेंट्स है वो क्या है रेडियो एक्टिव इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा इनको लिखा नहीं है ठीक है अच्छा और क्या इनमें सिमिलरिटी है हमने एक वर्ड बोला था प्रियोडिसिटी प्रियोडिसिटी क्या होता है बच्चों की रिपीटेशन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक और सम प्रॉपर्टी आफ्टर ए पीरियड और आफ्टर ए इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिसिटी इफ कुछ टाइम इंटरवल के बाद या कुछ इंटरवल के बाद इफ हमारी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं पीरियोडिसिटी तो हमको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी होती क्यों है क्यों होती है क्योंकि क्यों जो हमारे ग्रुप है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ऑलवेज क्या होता है सिमिलर होता है फॉर एक्जाम्पल आपका जो हाइड्रोजन है इसका कॉन्फिगेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यशन वन एस वन If आप लिथियम का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एच ई टू एस वन सोडियम का लिखेंगे तो एन ई थ्री एस वन पोटेशियम का लिखेंगे तो आर्गन फोर एस वन तो आप चेक करेंगे इसके सब सबका कॉन्फिगेशन क्या होगा आउटर कॉन्फिगेशन फर्स्ट ग्रुप का पीछे आएगा एस वन सेम आप जब सेकेंड ग्रुप का चेक करेंगे तो आपका क्या आएगा एस टू तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एस ब्लॉक है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन होता है एन एस वन टू टू ठीक है फॉर एग्जाम्पल जब आपने हाइड्रोजन का लिखा तो आपने देखा यहाँ क्या है वन एस वन और ये वन स्टार्टिंग वाला जो वन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है या आप बोल दीजिए नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ सेल किसके लिए यूज करते थे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के लिए यूज करते थे और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था एन से तो ये एन आपके लिए क्वांटम नंबर्स की टर्म्स में बोलेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बिलोंग करता है और हम यहाँ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं इसलिए हम इस एन की को क्या समझेंगे ये एन हमारे लिए क्या बता रहा है हमको पीरियड बता रहा है एन किस को बता रहा है हमारे पीरियड को बता रहा है और ये एस की पावर जो वन टू आएगी वो किसको डिनोट करेगी हमारे ग्रुप को ठीक है सेम हम लोग जब पी ब्लॉक में स्टडी करते हैं तो आप चेक करिए बोरोन ना बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है फाइव तो इफ आप बोरोन का कॉन्फिगेशन लिखेंगे तो क्या आएगा आपका वन एस टू टू एस टू टू पी वन तो आप चेक करेंगे पूरे ग्रुप का आउटर कॉन्फिगेशन पी वन होगा इस ग्रुप का आउटर कॉन्फिगेशन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव एंड लास्ट वाले का पी सिक्स ना क्योंकि आउटर क्या हो जाता है कंप्लीटली फिल्ड होता है नोबल गैसेस में तो आपने चेक किया कि जब बोरोन का आपने लिखा तो आया क्या टू पी वन ओके और इसका पीरियड क्या है सेकेंड पीरियड है मीन्स ये टू किसको बिलोंग कर रहा है एन को तो आप इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन क्या लिख सकते हैं एन पी पी कहां से कहां तक है यहां पे वन टू सिक्स और इससे जस्ट पहले क्या है एस है तो एन एस टू एन पी वन टू सिक्स ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन है किसका हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पीरियड को और ये जो वन टू सिक्स है इफ इसमें आप ट्वेल्व ऐड कर देंगे कितना ऐड कर देंगे 12 ऐड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ क्या पता चल जाएगा ग्रुप का नंबर पता चल जाएगा फॉर एग्जाम्पल बोरोन बोरोन के लास्ट में क्या है टू पी वन तो ये टू किस को डिनोट कर रहा है ये टू पीरियड को बता रहा है कि बोरोन हमारे सेकेंड पीरियड में है और ये जो पी की पावर वन लिखी है हमने इफ इस वन में हम ट्वेल्व ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन तो बोरोन का ग्रुप कौन सा है थर्टीन ग्रुप है ठीक है सेम हम लोग इफ बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ठीक है तो डी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स का एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम स्कैंडियम का क्या हो जाएगा कॉन्फिगरेशन ए आर 3d1 4s2 ना प्रीवियस क्लास में हमने ये लिखना सीखा भी था हमने देखा था क्रोमियम और जिंक में और सॉरी कॉपर में कुछ एक्सेप्शन था ना क्रोमियम में d4 आना चाहिए था बट एक्चुअली में क्या मिल रहा था हमको d5 और कॉपर में d9 की जगह हमको डायरेक्टली क्या मिल रहा था d10 ओके okay, तो यहाँ क्या आ रहा है डी वन डी टू डी थ्री और क्रोमियम के टाइम में चेंज हो गया था क्रोमियम में क्या हो गया था ए आर थ्री डी फाइव फोर एस वन सेम कॉपर में क्या हो गया था ए आर थ्री डी टेन फोर एस वन चलो कंपेयर करते हैं ये जो हमारा स्कैंडियम वाली लाइन है ये कौन से पीरियड को बिलोंग करती है ये हमारे फोर्थ पीरियड को बिलोंग करती है कौन से पीरियड को बिलोंग करती है फोर्थ पीरियड को बिलोंग करती है तो आप देखिए यहां जो है ये जो फोर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे एन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डी है डी के आगे थ्री है वो क्या है हमारा एन माइनस वन इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन क्या हो जाएगा एन माइनस वन डी डी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा हमारे वन टू टेन तक तो डी वन टू टेन ओके अब बात करें एस की तो एन एस एस कहां से कहाँ तक हमारे पास टू भी है और वन भी है तो एन एस वन टू टू ठीक है ये एन क्या है एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पीरियड को और इफ आप डी और एस के जो इलेक्ट्रॉन है इनको ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा ग्रुप मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहां देख लीजिए स्कैंडियम स्कैंडियम का कॉन्फिकेशन क्या है थ्री डी वन फोर एस टू आप एड करिए वन प्लस टू कितना है थ्री मीन्स ये स्कैंडियम कौन से ग्रुप में है थर्ड ग्रुप में है क्रोमियम की बात करते हैं डी फाइव एस वन फाइव प्लस वन सिक्स मीन्स ये क्रोमियम कौन से ग्रुप में हमारे सिक्स ग्रुप में है सेम कॉपर टेन प्लस वन इलेवेन्थ तो कॉपर कौन से ग्रुप में हमारे इलेवेंथ ग्रुप में है ठीक है तो इस टाइप से आप ग्रुप एंड पीरियड को फाइंड कर सकते हैं सेम इफ आपको एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लिखना है तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके क्लास इलेवन में ज्यादा यूज नहीं होने वाले हैं आपको डायरेक्ट याद कर लेना है ठीक है मैं लिख देता हूँ कॉन्फिगेशन होता है एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन एन माइनस वन डी जीरो टू वन और एन एस टू ठीक है जहां बचो एन किसको रिप्रेजेंट करे ये हमारी आउटर सेल है या जिसको हम क्या बोल सकते हैं पीरियड ना एन किसको रिप्रेजेंट करें पीरियड को तो एक चीज याद रखिए जो हमारी आउटर मोस्ट सेल है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट सेल क्या बोलते हैं अल्टीमेट सेल उसके जस्ट अंदर वाली को बोलते हैं हम पेनेल्टीमेट सेल और उसके भी अंदर वाली को बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट सेल तो ये कौन सा है सब सेल की बात करें तो ये हमारा अल्टीमेट सब सेल है ये हमारा पेनल अल्टीमेट सब सेल है और ये हमारा एंटी अल्टीमेट सब सेल है चलिए इसके बारे में कुछ कुछ और चीज़ें जो आपको बेसिक में पता होनी चाहिए क्लास नाइन टेन से वो मैं बता देता हूँ फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा कहाँ से लिथियम से फ्रेंसियम तब तो इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन को नहीं काउंट करते हैं ठीक है लिथियम से फ्रेंसियम तक हम इसका नाम क्या है एल्कली मेटल्स जो हमारा सेकेंड ग्रुप है ना ये नॉर्मली कर्स्ट में मिलती है मैग्नीशियम कैल्शियम इनका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या नाम है इनका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके एस ब्लॉक में मेनली क्या है मेटल्स है ओके पी ब्लॉक में देखा जाए तो पी ब्लॉक में ये बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलीरियम, पोलोनियम ये जो आपकी स्टेरिस जैसी बन रही है ये जो आपकी सी डी बन रही है ये आपके मेटेलोइड्स है मेटालोइड्स पता है बच्चों ना विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो ये आपके क्या है मेटेलोइड्स है मेटेलोइड्स के उस साइड जो भी है ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, नियोन ये सब एलिमेंट्स ये आपके क्या है ये नॉन मेटल्स है ये क्या है नॉन मेटल्स है और इसके इस साइड वाले एल्यूमिनियम गेलियम ये सब क्या है मेटल्स है ठीक है देखो जो हमारे हमने फोर ब्लॉक बनाया उसमें से एक ही ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल्स भी है नॉन मेटल्स भी है एंड मेटलोइट्स भी है कौन सा हमारा पी ब्लॉक तो आपको याद कर लेना है मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं बोर सिलीकन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलोरियम एंड पोलोनियम ओके और इसके इस साइड वाले क्या है, है हमारे नॉन मेटल्स और ये हमारे क्या है मेटल्स चलो इनके बारे में कुछ बात कर लें जो नाइट्रोजन फैमिली है ये नॉर्मली हमारी पॉइसनस होती है इसलिए इसको पीकोजन्स बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं इनको पीकोजन्स बोलते हैं ऑक्सीजन जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है नॉर्मली इनका नेम है चार्लकोजन्स फ्लोरिन वाली फैमिली बचपन से आप सुनते आ रहे हैं क्या है इसका नाम हैलोजन्स ओके okay. और जो लास्ट ग्रुप है हमारा एटीन ग्रुप ये क्या है हमारी नोबल गैसेस नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं या इनर्ट गैसेज बोलते हैं इनको क्यों क्योंकि ये जल्दी से किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है ठीक है कुछ भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करती है ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ना एक्सेप्ट करती है तो हमने पढ़ा ये वाली क्या थी हमारी एस ब्लॉक वाली भी मेटल्स है और यहाँ पे पी ब्लॉक में भी क्या है हमारे पास मेटल्स है ठीक है तो जो हमारा डी ब्लॉक है इसकी प्रॉपर्टी होती है इनकी मेटल्स डी ब्लॉक में भी क्या है हमारे पास मेटल्स ही है डी ब्लॉक की जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो एस एंड पी ब्लॉक की मेटल्स की प्रॉपर्टी के मिडिल में होती है तो हम सोच सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है ट्रांजिशन हो रहा है चेंज हो रहा है प्रॉपर्टीज में ठीक है तो जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं इनको हम या तो बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या क्या बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स फिर आपने देखा होगा कि लेंथेनियम के और जो बाद जो फोर्टीन एलिमेंट्स हैं यहाँ के वो कहाँ हैं हमारे पास एफ ब्लॉक में तो ये ट्रांजिशन मेटल्स के भी बीच में एफ ब्लॉक तो एफ ब्लॉक की मेटल्स को क्या बोलते हैं या एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओके अब लास्ट चीज़ हमको बस एक चीज सीखनी है कि हम ऑटोमिक नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ठीक है अटोमिक नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं ठीक है अटोमिक नंबर फाइंड हम लोग नॉर्मली हमारे फर्स्ट ग्रुप एंड एटीन ग्रुप के लिए फाइंड करेंगे इसके लिए आपको एक मैजिक नंबर याद रखना है नंबर है टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू ओके इफ आपको फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड में आना है तो टू ऐड करना है उसके बाद कितना ऐड करना है आपको एट नेक्स्ट में वापस से कितना ऐड करना है एट देन आपको ऐड करना है एटीन देन वापस से एटीन एंड देन कितना ऐड करना है थर्टी टू चलिए हम करके देख लेते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको याद होगा कितना होता है बच्चों वन ओके okay. तो वन से जब लिथियम में आएंगे तो कितना ऐड करना है टू वन प्लस टू थ्री थ्री से जब सोडियम में आएंगे तो कितना ऐड करना है एट थ्री प्लस एट इलेवन इलेवन प्लस एट नाइनटीन नाइनटीन प्लस एटीन कितना हो जाएगा बच्चों थर्टी सेवन थर्टी okay. सेवन प्लस एटीन कितना हो जाएगा सेवन प्लस एट फाइव और फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस थर्टी टू एट्टी सेवन ओके इफ आपको नेक्स्ट एलिमेंट में जानना है तो लीथियम और बेरिलियम का ने लीथियम थ्री है तो बेरिलियम क्या हो जाएगा फोर सोडियम इलेवन तो मैग्नीशियम ट्वेल्व पोटेशियम नाइनटीन तो कैल्शियम ट्वेंटी थर्टी एट फिफ्टी सिक्स एंड एट्टी एट सेम इफ हम बात करें एटीनथ ग्रुप के, ओके okay? तो एटींथ ग्रुप में हीलियम का नंबर कितना है टू यहां टू पहले से आ गया तो यहां टू नहीं ऐड करना यहां डायरेक्ट आपको स्टार्ट करना है मैजिक नंबर एट से एट एट एटीन एटीन एंड थर्टी टू टू प्लस एट टेन टेन प्लस एट एटीन एटीन प्लस एटीन एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस एटीन फिफ्टी फोर एंड फिफ्टी फोर प्लस थर्टी टू एट्टी सिक्स ओके और हमने आपको बताया था कि आपको नम नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लिखते हैं वो नोबल गैसेस की टर्म्स में लिखते हैं जैसे मुझे स्कैंडियम का जब कॉन्फिगेशन लिखना था मैंने क्या लिखा था आर्गन थ्री डी वन फोर एस टू तो आपको ऑटोमिक नंबर नोबल गैसेज का तो एटलीस्ट याद होना चाहिए हीलियम का ऑटोमिक नंबर टू है नियोन का टेन आर्गन का एट्टीन क्रिप्टन थर्टी सिक्स जीनोन फिफ्टी फोर एंड रेडोन एट्टी सिक्स इफ आपको इससे पहले आना है तो माइनस करते रहिए फॉर एग्जाम्पल नियोन का टेन है तो फ्लोरिन का कितना हो जाएगा नाइन ऑक्सीजन का एट इस टाइप से आप करते रह सकते हैं ठीक है तो आप करते रहिए आपके पास सबका ऑटोमिक नंबर आ जाएगा ठीक है जो मेन चेंजेज आने वाला है वो आपका लेंथीनियम और एक्टीनियम की सीरीज में आने वाला है फॉर एग्जाम्पल यहाँ एट्टी सिक्स है ये क्या होगा एट्टी फाइव एट्टी फोर एट्टी थ्री एट्टी टू 77, वन एट्टी 74, नाइन 72, एट सेवेंटी सेवन सेवेंटी सिक्स सेवेंटी फाइव सेवेंटी फोर सेवेंटी थ्री सेवेंटी टू ठीक है और लेंथेनियम का कितना है फिफ्टी सिक्स और इसका कितना लेंथ का कितना हो जाएगा फिफ्टी सेवन बेरियम के जस्ट नेक्स्ट है तो यहाँ देखिए इसका एटॉमिक नंबर फिफ्टी सेवन है और यहाँ इसका कितना है सेवनटी टू तो यहाँ जो बीच में जो फोर्टीन एलिमेंट्स मिस हो गए हैं वो आपके कहाँ हैं एफ ब्लॉक में ठीक है तो आज आपको क्या करना है आपको बस सिंपल से पीरियोडिक टेबल बनानी है कॉपी में ठीक है उसके बाद देखना है उसमें कितने ब्लॉक है कितने पीरियड है आप ऑटोमिक नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ठीक है इफ़ आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसकी पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे मिल गया मान लो अटोमिक नंबर ट्वेल्व है ठीक है मुझे कोई एलिमेंट है जिसका अटोमिक नंबर ट्वेल्व है मुझे इसकी पोजिशन बतानी है. तो मैं फर्स्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लिखूंगा ट्वेल्व से जस्ट पहले जो नोबल गैस आती है वो होती है नियोन तो मैं इसको किसकी टर्म्स में लिखूंगा नियोन की टर्म्स में नियोन इसके बाद क्या हो जाएगा टेन हो गया थ्री एस टू तो फिर मैंने देखा ये थ्री है लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट कौन से सबसेल में है एस सेल में मतलब कौन सा ब्लॉक है ये हमारा एस ब्लॉक है एस ब्लॉक के लिए मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन बताया था आपको एन एस टू एस के जो आगे होता है वो आपका क्या होता है पीरियड होता है तो यहाँ आपका पीरियड क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा इफ ग्रुप की बात करें एस के ऊपर जो जो भी होता है वो हमारा ग्रुप है ग्रुप क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है ना आपको रूल्स याद होने चाहिए जैसे डी के लिए हम लोग क्या करते थे डी और एस की पावर को ऐड करते थे तब आपको ग्रुप मिलता था पी के लिए आपको पी की पावर में ट्वेल्व ऐड करना है ठीक है एफ के लिए आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा बाई चांस आपसे पूछा जाए ठीक है तो आप याद रखिएगा कि ये जो एफ में है इफ आपका फोर एफ यूज हो रहा हो कौन सा यूज हो रहा हो फोर एफ यूज हो रहा हो तो वो आपका सिक्स पीरियड में है और इफ आपका फाइव एफ यूज हो तो वो आपका सेवन पीरियड में ठीक है थेके? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स